खरगोन जिले के सेगांव में स्थानीय लोगों ने अनूठी पहल करते हुए जन सहयोग की मदद से मुक्ति धाम पर 15 सीमेंट की कुर्सियां लगाई है ताकि अब शव यात्रा में आने वाले लोगों को बैठने में कोई असुविधा नहीं होगी। आपको बता दें अंतिम संस्कार तक लोगों के बैठने के लिए क्षेत्रीय विधायक केदार सिंह डावर द्वारा टीन शेड का निर्माण तो करवाया गया लेकिन वहां पर बैठने के लिए बैठक व्यवस्था नहीं थी। इसी को लेकर वरिष्ठ व्यापारी संघ अध्यक्ष नारायण अग्रवाल व पत्रकार संजय जायसवाल की पहल पर नगर के 15 लोगों से संपर्क किया। सभी ने अपने परिजनों की स्मृति में 4200 रुपए कीमत की 15 सीमेंट की कुर्सियां मुक्तिधाम में बैठने के लिए दान की है। उनकी इस पहल की नगरवासियों द्वारा प्रशंसा की जा रही। कहना यह चाहेंगे कि अभी फिलहाल में पिछले हफ्ते हमारे आदरणीय किशोर बाबूजी के पिताजी शांत हुए थे, उस दौरान हमारा मुक्तिधाम जाना हुआ। वहां पर हम वरिष्ठ व्यापारी संघ के कुछ सदस्य बैठे हुए थे और हमने विचार किया कि वहां पर बैठने की व्यवस्था नहीं है। इस कारण फिर हमने विचार किया कि क्यों ना यहाँ सीमेंट की ब्रेंचें लगाई जाए। तो इस कारण हमने इस बात की पहल की तो वहाँ पर काफ़ी समाजसेवी इकट्ठे हुए और 15 लोगों ने के जन सहयोग से हमने वहाँ पर ब्रेंचें लगवाई। क्या नाम लिखता? देवेंद्र मंडलोई।